ग्रंथाधिराज इसका अपन को परमार्थ प्रतिगमन अधिकार पढ़ेंगे। पांच रत्न गाथाएं हैं। नियमसार जी ग्रंथ की रचना आचार्य कुंद देव ने की है ना, और हर ग्रंथ के पीछे उसका उद्देश्य होता है। तो इस ग्रंथ की रचना निज भावना निमित्त की है। निज भावना निमित्त यानी अपने आराधना की पोषण के लिए। इसमें पांच रत्न गाथाएं अपन पढ़ेंगे। इनको रत्न क्यों कहा है ना, तो आपको गाथा सुनकर लगेगा कि वास्तव में रत्न है ना। हिंदी पढ़ते ही और सबको याद अभी एक ही दिन में हो जाए, इतनी सरल हिंदी लिखी इसकी। नारक नहीं तेरे ऐंचे मानव देव परे में नहीं करता न कारिता नहीं करता अनुमंता में नहीं। फिर से दोहराना है ना, नारक नहीं तेरे ऐंचे मानव देव परे में नहीं करता नका रही
करता नहीं करता नुमंता में नहीं। इसी तरह से जैसे अभी चार गतियों के नाम अगर इनसे भिन्न में हूँ तो दूसरी गाथा में मार्ग ना के स्थान नहीं गुण स्थान जीव स्थान नहीं मैं मार्गणा के स्थान नहीं गुण स्थान जीव स्थान नहीं करता ना का रहता नहीं करता नुमंता में नहीं। तीसरी गाथा है बाल वृद्ध युवा से भेद विज्ञान बालक नहीं मैं वृद्ध नहीं नहीं युवक तिनका रण नहीं बालक नहीं मैं वृद्ध नहीं नहीं युवक तिनका रण नहीं करता न का रयता नहीं करता नुमंता में नहीं। चौथी गाथा में राग देश मोष मेरा आगे नहीं मैं देश नहीं मोह तीन कारण नहीं मेरा राग नहीं मैं देश नहीं मोह तीन कारण नहीं करता न का रहता नहीं करता नुमंता में नहीं। अंतिमे पांचवे इसमें क्रोध मान माया लोभ से भेद विज्ञान करा मैं क्रोध नहीं मैं मान नहीं माया नहीं मैं लोभ नहीं करता न का रहता नहीं करता नुमंता में। सभी को और अभी याद हो सकती है यदि मन बनाए रुचि जगाए तो, क्योंकि दूसरी लाइन तो सब में दोहराई गई और पहली लाइन में नए नए विषय ऐसे दिए हैं। और इसको पंचरत्न गाथा क्यों कहते हैं पंडित साहब कि इसमें पूरा द्वाद सांग जो भेद विज्ञान के लिए समर्पित होता है पांचों गाथाओं भर दिया। कौन कौन सी बात कही चारों गतियों से भेद विज्ञान, दूसरा गुण स्थान मारुणा स्थान जीव स्थान से भेद विज्ञान, तीसरा बालक नहीं वृद्ध नहीं और जवान नहीं, चौथा है राग द्वेष मोह भी नहीं, और पांचवा क्या बताए क्रोध मान माया लोभ भी नहीं है। अब इस अधिकार का नाम क्या है डॉक्टर साहब, प्रतिक्रमण अधिकार, ऐसा लिखा कहीं परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, प्रतिक्रमण नहीं लिखा इसमें, क्या लिखा परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ यानी निश्चय से साक्षात मुक्ति का प्रदाता ऐसा प्रतिक्रमण जो मुक्ति का साक्षात मार्ग है इसकी भावना आचार्य कुंद कुंदेव ने भाने के लिए ग्रंथ लिखा, यानी मुझे स्वप्न भी ना आए कि मैं मुनि हूँ मैं बालक नहीं वृद्ध नहीं युवा तिन कारण नहीं, तो जो युवा है और नग्न दिगंबर मुनि हुआ है तो वो अपने को नग्न दिगंबर माने तो क्या मिथ्यात्व था बताओ सब, ये व्यक्ति अपने कुंद कुंदेव थे वे नग्न दिगंबर मुनि थे कि नहीं थे, यदि वो अपने को मुनि माने तो क्या नुकसान है क्या स्वरूप को भूला है, तो वो
अपने को मुनि मानना, इसका अर्थ है कि उसे आसमान जाति द्रव्य पर्याय से एकत्व चल रहा। आसमान जाति समझ गए, देह पोदगल जनित और आत्मा चैतन्य, और चैतन्य और आत्मा को एक मिलाकर देखना, ये तो अनादिकालीन विपरीतता चली। तो वो घर छोड़ करके नग्न दिगंबर साधु भी हो और वो अपने को मुनि माने, तो जीव का तो मिथ्या थे जैसे निगोदीय जीव का था, तो फिर वो क्या माने अंकिता है? तो वो मुनि नहीं, मुनि हुए बिना मोक्ष जाएगा? मुनि हुए बिना कोई मोक्ष गया है? कोई नहीं गया, तो फिर मुनि मानने में क्या तकलीफ है? अनु कुंदकुंदाचार्य देव आचार्य थे कि नहीं? 28 मूल गुण पालते थे कि नहीं? बन बनवास में दिगंबर काया लिए, पिछी कमंडल लिए, ऐसे देखे कि नहीं? शास्त्र में फोटो बनी है, उनका परिचय कराया। तो हम यदि उनको मुनि माने इस रूप में और वो अपने को मुनि माने, तो जिनवाणी कहती है ने तो प्रतिक्रमण करना नहीं आता। प्रतिक्रमण कराते हो, कैसे प्रतिक्रमण कराए? पहली गाथा से अपन पढ़ते हैं, देखो। मैं नारक पर्याय, त्रियंच पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय में नहीं हूं। फिर से सुनना, बहुत सरल टीका है इसकी। अभी मूल गाथा का अर्थ बता। मैं नारकी नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं त्रियंच नहीं, मैं देव नहीं है? और सारा जगत अपने को देव, त्रियंच, नारकी, मनुष्य, जो प्राप्त पर्याय है उस रूप ही अपने को मानता है। और ये भगवान कहते हैं कि तेरे अनंत भव खड़े हो जाएंगे। इसमें अपराध क्या हो गया है कि तूने पर द्रव्य को अपना माना, तो 5 पाप लगेंगे। और मिथ्यात का सबसे बड़ा पाप लगे। 5 पाप कैसे लगेंगे? इसमें हिंसा हुई, आत्महिंसा। कैसे होगी आत्महिंसा? क्योंकि कसाई की राग की उत्पत्ति हुई, राग आदि भाव हिंसा समेत राग की उत्पत्ति होगी, आत्मा दुखी होगा, बंधन होगा, चतुर्गति में परिवर्तन करेगा। तो इस समय अपन कौन सी गति में है? मनुष्य गति में है कि देव गति में? ये कह रहे कि ना आप मनुष्य हो, न देव हो, न त्रियंच हो, न नारकी हो, तो फिर कौन हो? आत्मा हो। तो ये आत्मा नहीं मानता तो कुछ ना कुछ मानता है। या फिर आप आत्मा मानो, या फिर चतुर्गति में परिवर्तन करो। ये कठिन काम नहीं है, परंतु बहुत कठिन। कठिन इसलिए कि इस तरफ जीव रुचि नहीं बनाता। ये 3 लोग के नाथ अपन को मिले और वो स्वयं आत्मा का दर्शन करके सुखी होने का मंत्र देते, और फिर भी जीव इसको पसंद नहीं आता। ये अच्छा तो लगता है प्रवचन, परंतु वो तत्व अच्छा नहीं लगता जिसके बल से ये भ्रम दूटता। अच्छा देखो, अब क्यों नहीं है ये नारकी भाई साहब? ये मनुष्य क्यों नहीं है? अभी तो एक मोटा मोटा भेद विज्ञानी करा रहे कि शरीर ही अपना नहीं, शरीर अपना नहीं। अभी वर्तमान में शरीर मिला है ना, और ये कहते शरीर अपना नहीं। चलो शरीर अपना नहीं, परंतु मनुष्योचित भाव तो अपने होते हैं कि? आपको इस स्कूल में आने का, संभालने का भाव होता है, बच्चों को देखने का भाव होता है, तो ये भी आत्मा के नहीं होते। इसके देखो कितना सुंदर तरीके से टीका की है पद्म ब्रह्मधारी ने। यहाँ शुद्ध आत्मा को सकल कर्तृत्व का अभाव दिखाना चाहते। यहाँ शुद्ध आत्मा को अपनी जो आत्मा है जिसे हम भूले हुए हैं, भूलने पर भी जो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो आपकी ही है, भले आप उसे अपनी न मानो। इस आत्मा को जानने से सकल कर्तृत्व मिट जाएगा, और आत्मा नहीं जानने पर सारा कर्तृत्व खड़ा रहेगा। कितना भी कहे कि हमने कहाँ की पूजा, हमने नहीं खाया, हमने नहीं पिया, हमने नहीं बोला। अभी कौन समझा रहे थे? अशोक पंडित साहब समझा रहे थे ना बच्चों है? ये सारा मद उतार दे, कर्तव्य उतार दे, निराकुलता को प्रदान करे। ये जीव अपने भगवान को भूल करके कितने कितने भेष धारण कर रहा।
पहला हेतु समझना, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने से यह जीव नरक गति में जाता है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, बहु आरंभ परिग्रहतम नारकस्य आयुष। ठीक है, अब संदीप भाई सुनना, ये कह रहे हैं कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जो नरक में जा रहा उसे भी नहीं होता। स्वभाव मार्दवम छे, जी मार्दव जाति का स्वभाव मध्य शांत परिणामी ऐसा जीव मनुष्य आदि पर्याय को पाते। वो कह रहे हैं कि ये जो परिणाम है ये तेरे परिणाम नहीं। श्रेणिक महाराज सिर पटक के नरक गए तो सिर पटकने का काम उन्हें किया कि नहीं समझ में आता। अभी देखो विचार करोगे तो ये गाथाएं बहुत अच्छी लगेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि अपन को कसाई खाने में है ना, गुरुदेव ऐसा कहते थे कि मद मांस मदरा का सेवन करेगा तो परिणामों का फल तो आए बिना रहेगा नहीं। रात में खाए कंदमूल खाए तो किसी जिंदा यानी उसे तो आदमी नहीं कह सकते। कि मनुष्य की पर्याय जैन कुल पा करके रात्रि में चूल्हे जले अभक्ष घर में आए तो अपन तो उसे सज्जन व्यक्ति भी नहीं कहते। यहाँ तो इसके पार कोई चर्चा कर रहे है कि जब तुम्हें अब संसार के परिवरण से बचना है तो हम एक उपाय बता रहे हैं। कौन सा उपाय है कि तुम अपने आत्मा को पहचान। कैसी है वो आत्मा कि नरक गति में भी नर नार की नहीं है, मनुष्य गति में भी मनुष्य नहीं बन जाता, देव गति में आत्मा देव नहीं हो जाता, त्रियंश गति में भी त्रियंच शरीर त्रियंचित परिणाम ये आत्मा नहीं होता। तो अभी इसमें एक प्रश्न किया कि नार की जीव श्रेणी सोचना कि नार की जीव जो नरक गया है उसके परिणाम खराब हुए होंगे तब नरक गया, खोटे काम किए होंगे ना तब तो वो नरक पहुंचा। तो उसने कौन से खोटे परिणाम किए, मद्मास मदरा का सेवन किया होगा, अनीति की होगी, जो जो पाप जगत में प्रसिद्ध है नरक जाने के ये सब पाप के परिणाम हुए। अब आचार्य जी कह रहे ये परिणाम होने पर भी उसका जो आत्मा है ना वो परिणाम का करता नहीं। कौन सी दुनिया में बैठ के बात करते है? चिल्लाती पुत्र की कथा सुनी, वो व्यक्ति ने भावर पड़ती हुई परिस्थिति में उस लड़की को उठा लिया और अपने घोड़े पर लेकर के भागा और उस लड़की से कहा कि तू मुझे पति मानने तैयार है कि नहीं, तो कि तेरे जैसे पापी को मैं पति क्या हाथ लगाने तैयार नहीं हूं, तो तुम मुझे पति नहीं मानोगी तो गर्दन काट दूंगा। उसने सचमुच में गर्दन काट दी और गर्दन काटने के बाद खूंखार दशा में होगा कि नहीं, एक हाथ में गला लिए एक हाथ में तलवार और घोड़े की लगाम पकड़े भागा जा रहा जंगल में पहुंचा और एक वट वृक्ष के नीचे बहुत से मुनिराज बैठे थे और मुनिराज को देखते ही उसके परिणामों में ऐसी विशुद्धता आई, ये जंगल में निरावलंबी बिना किसी के सहयोग के इतने प्रसन्न देख सकते रह सकते है और मैं कैसा पापी। अब उसे कोई नहीं समझा रहा और उसकी विशुद्धि आ रही और गया मुनिराज के चरणों में नमस्कार किया कि महाराज जी आप इतने सुखी हो तो ऐसा सुख और शांति का धर्म मेरे जीवन में नहीं आ सकता, मैं तो ऐसा पापी। तो गर्दन उसने एक तरफ फेंकी तलवार भी फेंकी और मुनिराज के पास आंख में आंसू भरे हुए और अपनी विनय कर रहा था, क्यों विशुद्धता आ गई उसे। और मुनिराज ने कहा चार अभाव पड़ा है कि जो पूर्व की पर्याय है वो वर्तमान में नहीं, जो पहले के परिणाम है वो वर्तमान में है क्या, तो तू वर्तमान में अपने को आत्मा नहीं देखता ये ही बड़ा भारी पाप। ये प्रतिक्रमण समझाना ना कि प्रतिक्रमण कहलाना है लौटना और प्रति यानी होता आत्मा और अपनी तरफ लौटना ये होता है प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण किया जाता है भूतकाल के अपराध से बचने, प्रत्याख्यान किया जाता है भविष्य के अपराध का अभी से त्याग और आलोचना वर्तमान में की जाती है। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना, आलोचना कब कही जाती है, वर्तमान के अपराध जो होते हैं ना सवेरे से लेके शाम तक
और भूतकाल में कितने अपराध हुए और भविष्य में होंगे, ऐसे व्यक्ति को ये प्रतिक्रमण करा रहे कि वो कहे साहब हम बहुत पापी हैं, हमने इतने पाप किए, एक व्यक्ति मिला हमें चैतन्य चिंतामणि में, वो कहे कि हमने 1 रुपए की दवाई 150 रुपए में बेची, दुखी व्यक्तियों को बेची, इतने कठोर परिणाम हुए, पंडित साहब हमारी दुर्गति तो नहीं हो जाएगी, हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएं। मतलब ऐसे व्यक्तियों को धर्म जनवाणी समझा सकती है कि नहीं, वो कह रहे हैं कि जो परिणाम हुए वो ठहरे हैं कि चले गए, और वो जो पर्याय होती है वो द्रव्य स्वभाव में एंट्रेंस लेती है क्या नहीं लेती, यानी जैसे चाकू की टेढ़ है, सही तो बता ना, टेढ़ी चाकू हुई, अब वो टेढ़ जब दूर होगी तो वो सीधी चाकू में टेढ़ देखने मिलेगी, टेढ़ापन कहाँ गया, टेढ़ी हुई ना चाकू तो उसके बाद सीधी कर दी तो वो टेढ़ कहाँ गई। ऐसा ये परिणमन का चक्र प्रवाह है, प्रति समय होता है और दूसरे समय नहीं ठहरता, और ये जी उसको ढूंढता रहता है कि इतने पाप हुए इतने पुण्य, ये परमात्माओं के पास आओ तो वो कहेंगे तेरे जैसा पवित्र आत्मा दुनिया में, हम इतने पापी हैं, चिलाती पुत्र कह रहा था कि हम कितने पापी, इस लड़की की गर्दन काट, तो भी तेरा आत्मा भगवान सिद्ध के समान है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा कलेजा सिर्फ जिनेन्द्र देव के शासन में मिलेगा। और ये पढ़ाई कौन सी है, वस्तु स्वभाव समझाएंगे तो एक होता है द्रव्य स्वभाव और एक होता है पर्याय स्वभाव। पर्याय में विकृति चली आ रही, राग द्वेष मोह ये सब चला रहा है, और ये पर्याय की बिगाड़ से विकृति से द्रव्य स्वभाव के भीतर क्या क्या गड़बड़ी आती है। सोने को आग में डालो, धूल में डाल दो, कीचड़ में डाल दो, तो अभी वो सोने का द्रव्य कैसा रहता है, सोनी बना रहता है कि कुछ बिगड़ जाता है। ऐसा इस चेतन स्वभाव का जीव को विश्वास नहीं आया अनादि का। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो खड़ा कहाँ होता है, पर्याय में, तो अपने को वहां से नापता कि हम इतने पाप किए तो हमारा कल्याण नहीं होगा। वे कह रहे कि आत्मा पाप नहीं करता है, पाप के परिणामों का भी जाननहार ज्ञाता दृष्ट। ये बातें तो विश्व में कहीं भी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि सारे जगत के प्राणी पाप के परिणाम से अपने को पापी नापते, पुण्य के परिणाम से पुण्यात्मा नापते, और जिनेन्द्र देव कहते हैं कि तू ज्ञान स्वभावी ज्ञाता आत्मा है, तू पापी पुण्यात्मा नहीं है, पाप और पुण्य भाव तो आश्रव तत्व है और तू जीव तत्व है। जैसे कभी 6 द्रव सिखाएंगे, कभी द्रव पर्याय बताएंगे, कभी 7 तत्व सिखाएंगे, और ये जीव की मानसिकता बदलना चाहिए। अभी पंडित साहब पूछ रहे थे बताओ अपन ने कितनी पूजा की, 5 अंग होते, 3 स्थापना में निकल गए, अभी जयमाला भी नहीं हुई थी है ना, और बाद में जयमाला भी हो गई और विसर्जन भी हो गया, तो पूजा हो गई कि नहीं। अभी पुस्तक पकड़ते तो विचारों से आने जा, कहीं लड़ रहे, कहीं खुजा रहे, कहीं भाग रहे, अब उनसे पूजा किसको पूजा कहते है? और अपन को कहना पड़ेगा बताओ तुमने ये 3 अंग पाल लिए, भगवान को बुला लिया, स्थापना कर दी, सन्निधिकरण हो गया, अब आधी जयमाला और पढ़े लेते हैं तो पूजा हो जाएगी, विसर्जन में पूरी पूजा हो गई। वे कह रहे पूजा का प्रारंभ में नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें पूजा का पता ही नहीं है कि क्या कहलाता। ये तो बच्चे में निकल गई कि अभी तो सीख रहा है, उनको तो अपन ऐसे ही कहेंगे कि अभी पूरी कर लो पूजा, ऐसी होती। अब ये जीव जैन कुल में जन्मा, सच्चे देवसाज गुरु की शरण में आए, और ये समझता है यही भीतर आ गई भगवान, और इनकी पूजा भक्ति रोज होना चाहिए। अब तो हो गई इसकी पूजा की नहीं पूरी, अब भी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, बिना निश्चय के व्यवहार होता है। अब निश्चय कैसे होगा इसे, ये जब अपने को मनुष्य मानना छोड़ेगा, आत्मा मानेगा, तब उसके योग्य व्यवहार आए भगवान के प्रति भगवान। अभी तो ये भगवान की आज्ञा से बाहर खड़ा है, अपने को बोलने चालने सुनने कहने वाला माने, यानी वो क्या नहीं मान रहा, आत्मा नहीं मान रहा, तो आत्मा नहीं मान रहा यानी भगवान की आज्ञा से दूर है कि नहीं, तो उससे कैसे बनेगी पूजा। पूजा तो वो कहलाती है जो जीव को सर्वज्ञ दशा को सर्वज्ञ दशा माने, वर्तमान दशा में ये वर्मोदारिक शरीर भी उनका नहीं है,
ऐसा भेद विज्ञान करे और ऐसे ही अपने को देख। यानी ये कहना है कि बता रहे हैं प्रतिक्रमण अधिकार और प्रारंभ कर रहे सम्यक दर्शन। हर बात में श्रद्धा को पहले खड़ा करते हैं और फिर स्थिरता को बता करके उसका मार्ग पूरा कर। तो श्रद्धा कैसी होना चाहिए कि मैं मनुष्य नहीं हूं। तो मनुष्य नहीं मानेगा तो पूजन कैसे करेगा, कि पूजन करने का भाव तभी आएगा जब अपने को आत्मा माने। हम इन्हीं के शब्द पर बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव जो नरक पर्याय में ले जाता है, बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारक सायुष है, संकलेश भाव से भी नरक चला जाता है। अति संकलेश भाव ते मरु घूर स्वब्र, ऐसे परिणाम से भी संसार में नरक गाती है। अब ये कह रहे हैं कि इतने परिणाम होने पर भी उस जीव को अपन आत्मा दिखा सकते हैं, मतलब नार की जीव सम्यक दर्शन ले सकता है कि नहीं, देव पर्याय में सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं, चारों गति हो सकता है, तो कैसे होता होगा ये बता। प्रतिक्रमण करो, जहां खड़े हो भगवान की आज्ञा मानो। कैसी आज्ञा है कि ये जो परिणाम होते हैं ये द्रव्य स्वभाव नहीं है, ये पर्याय स्वभाव है और ये तात्कालिक परिणाम है और इससे भेद ज्ञान करके आत्मा को अपनापन दिया जा सकता है। दूसरा बता रहे, संसारी जीवों को बहुत आरंभ परिग्रह व्यवहार से होता है। हवन कह रहे थे कि हमें इस जीव मर के नरक जाएगा, ऐसे सोचते ना। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जीव मर के नरक में भी जाएगा तो भी ये जीव नरक में भी सम्यक दर्शन ले सकता है, क्योंकि जीव को इसका स्वभाव वहां भी खराब नहीं होता। ये परिणाम बिगड़ने पर भी आत्मा उस परिणाम रूप नहीं हो जाता है, वो जीव जीव बना रहता है और जीव को वहां भी देख सकता है। कहां, नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्यों हो सकता है? अखिलेश, सम्यक दर्शन नरक में कैसे हो सकता है? वो आत्मा है कि नहीं, वहां नारकी है वो कि आत्मा, और नारकी नहीं हो बाबू जी, नारकी है कि वो आत्मा, अगर नरक नरक गति में गया है तो नारकी दशा है कि नहीं, दशा है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि दशा होने पर भी द्रव उस रूप नहीं हो जाता, गजब की बात। इसके समझे बिना ना प्रतिक्रमण होगा, ना आलोचना होगी, ना प्रतिज्ञान होगा, ना रत्नात्रय होगा, ना शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा। क्या समझना पड़ेगा, अपने को स्त्री मानोगे अगले भाव में फिर बुकिंग हो जाएगी, पराभव है आत्मा का घोर तिरस्कार। अपने को क्या माने, आत्मा मान क्यों माने आत्मा, क्योंकि वास्तव में आत्मा है। स्त्री क्यों नहीं है, ये तो स्वांग है, कितनी देर का परिणाम है, थोड़ी देर के लिए मिली हो पर्याय छूट जाएगी, पर आत्मा का स्वभाव कब तक रहेगा, क्यों रहेगा? स्वभाव किसी ने बनाया नहीं। डॉक्टर साहब ये विचार ना, ये कह रहे हैं हम दूसरे व्यक्तियों को नारकी कहते और ये पद्म प्रमलधारी देव उसे आत्मा देखते, हम किसी को भी पाप करते देखते नारकी, ये कह रहे नार की परिणाम में भी चैतन्य आत्मा उससे न्यारा बैठा है। ज्ञान स्वभाव उस नरक रूप परिणाम रूप नहीं होता, तीव्र कसाय रूप नहीं होता। इसे पांच प्रकार से भेद विज्ञान करा है, एक तो चार गति रूप करा है, अपन को एक घास जैसी दिखती है। अब बताओ, बताना है ये जो घास है कितने इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव और हाथी, हाथी पांच इंद्रिय और तुम तो इसलिए हमने हाथी का नाम दिया कि कम से कम याद आ जाए बाल बोल वो कह रहे भेद विज्ञान नहीं करेगा तो ऐसे ही देखेगा। ये वनस्पति दिखी आप, तो वनस्पति अनुभूति कितने इंद्रिय जीव दिखी अपन को,
तो वो काम नहीं कर रहा ज्ञान, और ये पढ़ा रहा है कि नार की कोई जीव होता नहीं, नार की अवस्था होती है और जीव जीव होता, जीव तो चैतन्य स्वभाव ही होता। तो वनस्पति काय, हाँ अब हाथी में लगाओ, अच्छा संदीप लगाओ, कैसे लगाओ, हाथी जीव है कि अजीव है, जीव है, हाँ बता, हाथी का शरीर अजीव है और हाथी की आत्मा जीव है। ये पूरा उत्तर है बाल बोध में पढ़ाया जा, अब अपने में लगाना जरा, लगाएंगे तो प्रतिक्रमण हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो, कैसे लगाए जीव कैसा है उसका हृदय नहीं मान। अरविंद भैया समझ में आ रहा कि दूर बैठने से ऐसा तो नहीं कह, ये कह रहे अरविंद नाम का कौन सा द्रव्य विश्व में, छह द्रव्य होते हैं ना, तो उसमें अरविंद नाम का कौन सा द्रव्य, कोई द्रव्य ही नहीं है ये कह रहे। फिर अरविंद ये दशा जो बनी है वो क्या है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा देखना कभी तो प्रारंभ करेगा ही, कभी तो आंख खोलेगा, अभी तो ये अचेत है, ऐसा जो नशा भरा है उसी में जाता है। अभी अपन ने भगवान के दर्शन किए, नेमिनाथ भगवान के दर्शन किए, तो काय से किए, आंख से किए कि नाक से किए, है ज्ञान से किए, और आंख ना होती तो दिख जाते भगवान, है काय से किए भगवान के दर्शन, आंख से किए ज्ञान से, है जिस ज्ञान से भगवान के दर्शन किए उस ज्ञान से ज्ञान का दर्शन क्यों नहीं करता है? यदि आपको ज्ञान से दर्शन हुए होते तो ज्ञान की रुचि हो जाती, ज्ञान की रुचि नहीं करता है, काय की रुचि करता है, जो मानसिकता भरी है ना उसको पुष्ट करके चला जाए। पांच प्रकार की गाथाओं में एक सुनना जरा कितना अच्छा लिखा है, इसे नारक आयु के हेतुभूत समस्त मोह राग देश होते हैं, जो भी नरक जाएगा तो उसे वो परिणाम होते होंगे तभी तो नरक जाएगा। नारक आयु के हेतुभूत यानी नरक की आयु बंधे ऐसे परिणाम ऐसे कारण जुटेंगे उसकी पर्याय में, तीव्र कसाय करेगा, सिर पटक के मरेगा, जहर खा लेगा, अनेक जीवों को मार डालने का परिणाम आएगा, कोई ना कोई कठोर परिणाम आएगा, तब तो वो नरक की स्थिति बंधेगी बंधेगी। अब वो कह रहे हैं कि जो नार की आयु बंधी और समस्त मोह राग द्वेष के भाव हुए, परंतु परंतु मुझे शुद्ध निश्चय के बल से शुद्ध जीवास्थि काय में वे परिणाम नहीं, नहीं समझ में आया। अभी अपन को मनुष्य पर्याय मिली सीता बता ना, तो अभी आपको रोटी बनाने के भाव आते नहीं आते, आते कि नहीं आए तो फिर मनुष्य पर्याय नहीं, त्रियंशी गति में नहीं आती परिणाम, देव गति में नहीं आती, कौन सी गति में आते, महिलाओं के खाने बनाने के ये परिणाम आते। तो ये परिणाम जो होते हैं इसका निषेध नहीं कर रही जिनवाणी, पर इस परिणाम को देख के मैं भाई हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बनाती हूँ, ये मिथ्या से जीव भाई ही बनी रहती, फिर त्रियंशी नहीं बनेगी, सिंगिनी बनेगी, फिर जो जो पर्याय जो स्त्री पर्याय की है ना इसमें बुकिंग रोज दिन भर दस्तखत कराते कराते वो बंद करके फिर उस गति में चले। यदि कुगति में नहीं जाना हो तो इस बात को मानना पड़ेगा, कौन सी बात, कि ये शुद्ध निश्चय के बल से शुद्ध जीवास्थि काय में ये भाव नहीं है। किस बल से नहीं है, शुद्ध निश्चय के बल से, किस बल से, शुद्ध निश्चय के बल से, कहाँ नहीं है, शुद्ध जीवास्थि काय में नहीं है। पहला क्या बताया, शुद्ध निश्चय के बल से, फिर दूसरा क्या बताया, शुद्ध जीवास्थि काय में क्या नहीं है, ये भाव नहीं है। तो ये भाव कहाँ है, ये भाव पर्याय में है, इनका नाम है आश्रव तत्व। ये भाव कहाँ होते हैं, पर्याय में होते हैं, कितनी देर के लिए होते हैं, क्षण क्षण भंगर होते हैं, पर ये कहाँ चले जाते हैं,
बिला जाते ना, एक समय का हुआ नष्ट हुआ, फिर हुआ नष्ट हुआ, क्यों होते कोई बता सकता है? सीमा ये परिणाम होते क्यों? तुम लोगों को रोटी बनाने की होती, हम लोगों क्यों नहीं होती है? क्या बोले देखो कैसे परिणाम होते। जैसे आपको दवाई की दुकान चलाने को, हम लोगों को क्यों नहीं हो? सोचना कभी क्यों होते हैं ये भाव, तो उसकी जड़ बताई इन्होंने कि इन्हें शुद्ध निश्चय का बल नहीं है। शुद्ध निश्चय का बल नहीं है यानी ये अपने को शुद्ध आत्मा मानते नहीं है। तो फिर क्या मानते हैं? वो वैसे भाव, जिसने जिस जाति का अपने को अहम स्थापित किया, उसे उस जाति के परिणाम सुबह से शाम तक नहीं 24 घंटे वैसे चलते। बिल्ली को चूहे खाने के परिणाम कब चलते? नाश्ता के बाद चलते होंगे कि नहीं? 24 घंटे चलते। क्यों चलते? क्योंकि वो अपने को बिल्ली मानती है। तो यदि उसे हिंसा के परिणाम से बचना है तो क्या करना चाहिए? शुद्ध निश्चय के बल से, शुद्ध यानी किसी को मिलाकर किसी में न देखे, शरीर को परिणाम को न मिलाए, तो अपने को चैतन्य आत्मा देख सकता है। कब देख सकता है? जिस समय शरीर है, अवस्थाएं ये है, बाल वृद्ध युवा राग द्वेष मोह गुण स्थान मार्गण स्थान जीव स्थान देव त्रयंच नारकी मनुष्य चार गतियों में हो तो आत्मा देख सकता है, तीन अवस्थाओं में हो तो आत्मा देख सकता है, राग द्वेष मोह हो तो आत्मा देख सकता है। जिस समय तीव्र कषाय आ रही उस समय हम आत्मा देख सकते हैं कि नहीं? कैसे देख सकते? तीव्र कषाय के काल में आत्मा ज्ञाता रहता है कि कसाई हो जाता है? तो वो ज्ञातापना ही बताता है कि बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत भूख लग रही है, बहुत नींद आ रही है। ये बताता कौन रहता है? ज्ञान। तो ये जीव ने उस ज्ञान को तो आत्मा माना नहीं, तो फिर क्या किया है? जो पर्याय में हो रहा है उसको ही आत्मा मान लिया और उससे पूरा जीवन भर दुखी रहता। नए नए बंद होते हैं, प्रतिक्षण आकुलता होती है, जो आत्मा में आनंद भरा उसका लाभ नहीं ले पाता, भगवान की आज्ञा से विरोध में खड़ा हो जाता है, पूरा जीवन ऐसे चला जाता है। इसमें कितने सुंदर शब्द आए इसमें कि नरक के जीव जो जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि उनके नारकी परिणाम नहीं हुए थे और चले गए। नारकी परिणाम होने पर भी वे नारकी नहीं है, वे आत्मा है, ये आज भी समझा जा सकता, अनुभव किया जा सकता। मनुष्य पर्याय में भी मनुष्य दशा से न्यारा आत्मा देखा जा सकता है कि नहीं? एक उदाहरण हमने एक दो चार बार दोहराया होगा, उसमें आया अशोक लोहारिया का उदाहरण देते हैं कि वो शिविर में व्यवस्थापक का काम करते, जयपुर शिविर में अशोक लोहारिया सबके ठहरने की व्यवस्था का काम लेता। तो वो कहते थे कि सारे लोग तो शिविर का आनंद भोगते और हम शिविर का दुख भोगते रहते। अब ये पंडित जी आएंगे तो कहाँ ठहराएंगे, इनकी क्या व्यवस्था होगी, कितना बड़ा हाल चाहिए, ऐसा सोचते सोचते सवेरे से न सामायिक में मन लगता न किसी में लगता। तो बोले हम सोचने लगे कि सारे लोग प्रसन्न और हमारे सिर पे बोझ क्यों? तो अपने ज्ञान जवाब देते ना कि हम कोई ना कोई काम को अपने सिर पर व्यवस्थापक बना के ले चुके, तो कौन सा काम है? हम तो पंडित हैं। कि नहीं नहीं इस समय तुमने अपने को व्यवस्थापक माना, तो सब विद्वानों की व्यवस्था करना। तो अब वो बोले हमारी सारी शांति छिन गई, अब डॉक्टर साहब बताओ इस कष्ट से बचने का उपाय। तो कैसे छोड़ दें? नहीं, व्यवस्था नहीं करें, न देखें, डॉक्टरी ना करें, जिंदगी भर डॉक्टरी करिए, छोड़ दें बुढ़ापे। तो सोचने जरा, ये कह रहे हैं कि ये चार गतियों में रहकर राग द्वेष मोह के परिणाम होने पर
गुरु स्थान मार्ग स्थान जीव समास होने पर हर स्थिति में ये शुद्ध चैतन्य के बल से अपने को देह से संयोग से भिन्न आत्मा देख सकता है। कैसे देख सकता है कि संयोग संयोग में रहते हैं, पर्याय पर्याय में रहती है और द्रव्य। ये इतना सा सरल काम था वह अनंत भाव नहीं समझ में आया। वहां गए हम संजय भैया, कहां आगरा, तो वहां पदमचंद जी हैं अपने डॉक्टर साहब के समधी। तो हमने कहा पंडित साहब बाहर से आए, दो मिनट कुछ समझा दो। तो बोले एक उदाहरण सुनाई देते हैं। बोले एक व्यापारी 12 साल बंबई में रहा और उसने जो कमाई की उसने सारी कमाई का सोना खरीद लिया और पता चला एक्साइज विभाग वालों को जानकारी हुई कि एक व्यक्ति ने टैक्स नहीं चुकाया और ये सारा पैसे का सोना खरीद करके वापस अपने गांव जा रहा। तो पता चला तो उस गाड़ी का पता, डिब्बे का पता चला और फिर वहां जाकर के ये अनाउंस किया कि इसमें जो जो मुसाफिर बैठे हैं सब अपने अपने सामान को दिखाएं और फिर बाद में बैठे। अब इसने क्या किया, सोना इकट्ठा बहुत था और फटे पुराने कपड़ों में लपेट के जिससे कोई सोच न सके कि इसमें सोना, और दूसरों की सीट के नीचे डाल बैठा रहा, सबको खाली करवाया, उतार दिया पैसेंजरों, और फिर बाद में जेक एक जगह देखी तो ये सोने की बिस्कुट सामग्री मिली। अब वो सामान प्लेटफार्म पर रखा है ना, और ये पूछ रही पुलिस कि बताओ ये सोना किसका है। कल्पना जी बताना, इस सोना जिसने 12 साल तक मेहनत की कमाई की और उसने ले जाने की व्यवस्था की, ले जा रहा था, अब ये सरकार ही पूछ रही कि बताओ ये सोने का मालिक कौन है, वैसा बताओ। वो आदमी तैयार होगा कि नहीं है? तैयार हो जाए कि हमारा है तो क्या होगा है? सोना भी जाएगा और सोना भी जाएगा, नींद भी चली जाएगी और ये सोना भी चली जाएगा। तो उसने क्या क्या कहा होगा, सब समझ गए ना। यदि वो तैयार होता है कि मेरा है तो मेरा सोना मिलेगा कि जेल मिलेगी, तो कैसे कह देगा कि सोना भी। अच्छा अब अपने में आ, अब ये अपना है कि नहीं, जो हमें मिला तुम्हारा वाला नहीं, हमारा वाला शरीर तो हमारा है कि नहीं, तो किसका है फिर। अब जो अपना का है वो फंसे जेल में, जैसे उसे व्यक्ति ने कमाई की, यानी आपके ही परिणामों के फल में ही पर्याय मिली और आप ही के कर्म के उदय में भाव हो रहे और इसे आप अपना मानो तो चतुर्गति में यात्रा करो, तो क्या करना है बताओ। उदाहरण संदीप समझ में आया कि नहीं, क्या उदाहरण दिया हमने कि उसी का सोना था कि नहीं, और फिर वो उसे अपना क्यों नहीं कह सकता, उसी का था कि नहीं वो सोना, और वो अपना माने तो जेल जाने पड़ा। इसी तरह से शरीर किसका है वर्तमान में, किसके उदय से मिला है, आप ही के उदय, बताओ आपकी जाति का है, आपने बनाया है और आप साथ में ले जाओगे क्या, तो इसे अपना मानने में कितनी बड़ी सजा है। बहुत सरल अल्फाबेट जैसी पढ़ाई है, इतना ऊंचा ग्रंथ है, इतना ऊंचा ग्रंथ है, वो पांच रत्न गाथाओं में पूरा द्वादशांग समेट के रखती है, सबको याद हो गई होगी। नारक नहीं तेरे अंच मानव देवे परे मैं नहीं करता नका रहता नहीं करता नुमता में। अभी तो अपन चार पर्याय से अपन को भेद विज्ञान कराया कि मनुष्य की देह, त्रियंच की देह, देव की देह और नारकी की देह। देह तो पुद्गल की रचना, और जो परिणाम हुए थे
ये परिणाम जीव के हुए थे, परंतु जीव के स्वभाव नहीं होने से ये जो गति मिली, ये गति मिलने पर भी स्वभाव आज सुरक्षित है, उसे देखा जा सके, ये इतनी बड़ी बात। अब दूसरी बात ये कही कि इसके कर्ता नहीं बनो, करवाने वाले नहीं बनो और अनुमोदन नहीं करो। बड़े बरनी जी थे संजय भैया, कहाँ थे, ईसरी में, और जब इतना बड़ा त्याग नहीं था, छुल्लक की पद नहीं थी, चिरंजीव माँ के पास रहे, तो एक वहां बाबा जी थे, और वो यदि वो सब्जी खाना है उन्हें, तो सब्जी कोई उनकी बघार दे, छोंक लगा दे, तो बनी बनाई खा लेते थे, और वो अपने हाथ से नहीं बघारते थे। जैसे बैठे थे 12 बज गए, तो बरनी जी वहां से निकले कि बाबा जी भोजन नहीं हुए, सब्जी नहीं बनी, तो सब्जी तो रखी है पर कोई छोंकने वाला नहीं है, तो बोले हम छोंक देंगे, तो ये तुम जाओ ना भाई, पाप तुम्हें लगेगा, हमें पाप ऐसे तो हमें डर लगता है, इसलिए तो हम नहीं छोंक, तुमने कहे कि हम छोंके देते हैं पाप, पाप का आप जानो कि किसे लगेगी। तो बरनी जी ने वो बघार दे दी, और बघार के एकदम से कह के भागे कि जितना ना उद्यम हमने किया वो इनके लिए किया है, इसलिए इसकी भागीदारी है, और भाग गए। अब हम ये कह रहे हैं कि तुम कहो कि मैं इसका पाप करने वाला नहीं हूँ, पर इनसे तो पूछो कि तुम्हारे चित्त में अभिप्राय में सुख बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, तो वो पाप तो ज्यो का तो लगता है, पाप क्रिया का नहीं लगता है, ये कह रहे हैं। पाप काय का लगता है, कर्ता बनने का, कराने वाला मानने का, और उसकी अनुमोदना करने। पुण्य भी देखो, अभी ये बड़ा भारी शिविर चल रहा है, तो इसमें कर्ता पुद्गल द्रव्य, कराने वाला राग, और ये अनुमोदना करेंगे सारे साधर्मी, तो होगा एक अनुष्ठान, वो सारे लोग जो आ रहे हैं अनुमोदना का पुण्य से लग जाए। ऐसे अभी इसमें लगा लेने पाप के प्रसंग, ये कह रहे हैं कि पाप और पुण्य दोनों के कर्ता बनने से मिथ्या बनता, नहीं समझ में आया। देह का आप तो अभी समझ के बैठ गए ना कि देह पुद्गल की रचना है, हम इसके कर्ता धर्ता नहीं, परंतु ये लड़का किसका है, वीर किसका लड़का बता, सुख किसका लड़का है, शुद्धि किसका लड़का, किसकी लड़की, आरती के बच्चे कहाँ है। ये कह रहे हैं कि आत्मा नहीं देखोगे तो दिन भर ऐसे पाप होंगे, आपको समझ में नहीं आता, इनकी दुकान कैसी जमाई इनने, तो दुकान तो चल रही पुद्गल स्कंद की, और हमने किस रूप में उसे देखा, किसी ने उसको किया है, और कोई इसकी व्यवस्था कर रहा है, और किसी को ना उसे ज्ञाता देखा ना अपने को ज्ञाता, और जबकि ये सारा पुद्गल ऐसा नाचता रहता, कभी यहाँ खड़ा हो जाता है, कभी यहाँ खड़ा हो जाता है, और इस जीव को लगता है जैसे मैं इसका व्यवस्था हूं। बहुत गजब की बात है इसमें, ये तरीका आप देखना, चार गति में पंडित साहब इस पे बैठ, चार गतियां हैं, कौन कौन सी, मनुष्य, त्रियंच, देव, नार के, ये चारों गतियों में जीव राशि है, असंख्यातों जीव राशि है, और अनंतों, एक इंद्रिय में अनंत और त्रस राशि में असंख्यात। अब ये कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने को मनुष्य मानोगे तब तक तुम सर्वज्ञ की आज्ञा से बाहर, और मनुष्य क्यों नहीं हो उसका हेतु दिया इसमें, क्योंकि तुम इन परिणामों के भी कर्ता धर्ता नहीं हो। तो वो जो राग द्वेष कर रहा है, देखता है ना जगत में जीव कैसे कैसे भटकते कसाय करते, तो वो राग देश कर रहा है इस समय, वो करता धरता है कि नहीं, कहते इससे भी इस समय भी उसका स्वभाव देखोगे तो वो स्वभाव से देखोगे तो वो जीव दिखने लगे, ज्ञाता दिखेगा आपको, उसके प्रति कसाय नहीं आएगी, जीवत्वपना दिखने पर गेपना आएगा, कसाय मिट जाएंगे। जो वर्तमान का एक समय का अपराध है, इस अपराध से वस्तु त्रैकालिक अपराधी नहीं हो जाते। अपराध कितनी देर का होता है, एक एक समय का क्षणिक है, और जीव कितने देर का बना रहता है,
त्रैकालिक बना रहता है। तो हमने तो उस महापदार्थ को भुला दिया और तात्कालिक अपने को क्षणिक देख करके निर्णय लिया, तो ये वस्तु से विरोध में गया, इससे जीव प्रतिक्रमण से दूर हो रहा। दूसरा एक कारण और पढ़ते बस समाप्त करते, मुझे शुद्ध निश्चय नय के बल से शुद्ध जीवास्थि काय जो है उसमें ये परिणाम नहीं है। अब से कितनी गजब की बात है, बता रहे कि नरक के परिणाम नारकियों के नहीं होंगे तो क्या मनुष्यों के होंगे, परंतु वे नारकी परिणाम भी नारकी जीव के भीतर नहीं है। कैसे नहीं है? शुद्ध निश्चय के बल से, यानी जीव को तुम जीव तो देखो एक बार तो तुम्हें दिखेगा वो नारकी नहीं है, वो आत्मा। अभी देखना ये जो भिखारी है गरीब आदमी और वो आपसे जय जनन करे, है ना भाई साहब, अपन से जय जयंत करे भिखारी तो अपन मालूम क्या कहते, जैसे मुंह से भी नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते भैया उसे, वो भिखारी है ना और वो आत्मा है कि नहीं, और अभी मुनि बन जाए तो काम पड़ेंगे कि नहीं अपन, तो अपन ने उसे कहां से देखा, भिखारी देखा, संयोग से देखा, तो हमारे चित्त में उसके प्रति आदर ही नहीं है। ये कह रहे कैसे आदर आएगा, जब तुम उसे जीव महसूस करोगे तो आपको चित्त में जो द्वेष भर गया था, हीन बुद्धि भर गई थी, ये कसाय दूर करने से कारण नहीं बने। कल हमने एक कथा किसको सुनाई थी, इसमें छपी थी पत्रिका, बस दो मिनट में समाप्त, ये एक पत्रिका में एक कहानी आई कि पत्नी ने कहा कहाँ हो, 6 बज रहे हैं, अंतव का टाइम हो रहा, तो वो फोन ऑन लगा नहीं और वो कुछ उत्तर नहीं है, और 9 बजे रात को उसका पति एक मेली कुचेली धोती पहने एक महिला के साथ आया और पुराना सा बैग नीचे रखे और घूंघट डला, और जैसे ही पति को देखा तो पत्नी ने बहुत गाली सुनाई, किसको ले आई, 7,000 रुपए और घर भर की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई और किराया और ये सब सामग्री, क्या करें हम, तुम्हारा दिमाग खराब है, कब से फोन कर रहे, भोजन भी बर्बाद हो गया, किस औरत को ले आए, अपनी मम्मी को ले आए होगे, यहाँ नहीं कोई व्यवस्था, 4 भाई हैं वो क्यों नहीं ले जाते, यही भेजते। ऐसे बड़बड़ाती बड़बड़ाती धारावाहिक सीरियल चल रहा था वो, और वो पुराने गांव के लोग घूंघट डाले रहते थे, उसे पता ही नहीं ये कौन महिला, एकदम से वो घूंघट उसका गिरा और उसे अपनी मम्मी का चेहरा देखा, तो अभी तक वो क्या सोच के बैठी थी कि जी अपनी मम्मी को ले आए और अपना एक खर्चा बढ़ गया, और जैसे ही उसने देखा कह रही है तो हमारी मम्मी, तो कहती अरे यार तुम गजब करते हो, ऐसा बोल नहीं सकते थे कि हम मम्मी के पास, कि तू बोलने की समय दे जब ना, इतनी करंट मारती है, सुनने ही नहीं चाहती कि हम कहां गए थे कितनी, तो वो आंख में आंसू भर के वो मम्मी बोली कि बेटा चारों लड़कों ने भगा दी, मुझे दमांधी शरण दिखी गई, मुमुक्षु मंडल में जाता है, धर्मात्मा है, ये आ जाएगा और ले जाएगा, और तो किसी से हम कह नहीं सकते। तो ये बेटा गया और हमें लेने गया, तो वहां फोन लगता कहा जो तुम्हारा उत्तर दे दी, हम क्षमा मांग ले। अब जैसे ही हमें ये बताओ, जैसे ही उसे ये पता चला कि मेरी मम्मी है, अब कितना लड़ेगी बताओ, सब लड़वा के बताओ, पति से लड़वा के बताओ, वो लड़ाई कैसे मिटी हमें सीमा ही बता दो, कैसे मिट गई संदीप बताओ, उसे ये पता चला कि ये तो मेरी मम्मी, ऐसे ही जीव को ये पता चला कि ये है आत्मा, स्वांग का एकत्व छूटा और कसाय का चक्र भी छूटा, और अपने को ज्ञाता नहीं देखा, सारी कसाएं खड़ी हुई। ये कह रहे हैं कि देख सकते हैं कि नहीं, मनुष्य पर्याय में हम आत्मा देख सकते हैं कि नहीं, कि शुद्ध निश्चय के बल से देख सकते। अब शुद्ध निश्चय का बल क्या कहलाता है, कि अपनी आंख है देखने की, इसे आत्मा को जानने समझने को लगाना, इसका नाम है शुद्ध नय का बल, कोई अलग से बल लाना नहीं है, आत्मा तो बना बनाया भगवान है, अब इसे आत्मा को आत्मा नहीं जाना ये अपना ज्ञान, और आत्मा ही जान रहा है इतना माना ये ज्ञान, नहीं समझ में,
आत्मा हो कि नहीं आप आत्मा हो, जान रहे हो कि कहीं चला गया जानना, जान रहे तो ये जानता वो क्या कहलाता, आत्मा की अनात्मा। इसको जानने वाले को ये ज्ञान, मनोज भैया ये ज्ञान शरीर से होता है कि भीतर से कहीं से आता है, कुछ चीज है कि नहीं इस शरीर के भीतर, कौन है जिसमें ये सामर्थ्य है ये जानने की, निर्णय लेने की, फीलिंग करने की, एहसास करने की, इसमें इसको कहते हैं आत्म तत्व आत्म। और ये जीव आत्मा होने पर भी शरीर पैकिंग है, बारदाना है, मिला है, छूट जाएगा, ये भिन्न ना विचार कर इसी इसी को जीवन भर देखता रहता है, और जो अपना है उसके प्रति जीवन भर उदासीन है। ऐसी उदासीनता ऐसी मंगल गाथाओं से पांच गाथा फिर से पढ़ लें अपन एक बार फिर। नारक नहीं तेरे अंश मानव देव पर मैं नहीं करता नका रहता नहीं करता अनुमता में नहीं। जो लड़के बच्चे होते हैं वो कर्तव्य तो नहीं आते, परिवार होता है वो कर्तव्य तो नहीं आते, ये मंत्र है ना, अपन ने किया है ना कर सकते हैं, ना अपनी कोई गलत अनुबोध ना कर, जीव अपनी योग्यता से आता है, अपनी योग्यता से चला जाता है, शरीर मिलता है अपनी योग्यता से बाद में छूट जाता है, ये सब संयोग बनते हैं और चले जाते हैं। ज्ञाता आत्मा जानने से इतना बड़ा फायदा है कि कसाय नहीं आता। मैं मार्गणा के स्थान नहीं गुण स्थान जीव स्थान नहीं करता नका रहता नहीं करता अनुमता। मैं गुणस्थान क्यों नहीं हूँ, क्योंकि गुणस्थान तो परिणाम में होते, और मैं कैसा हूँ कि मैं तो द्रव हूँ, तो द्रव को अपना मानते ही ज्ञाता गुणस्थान का पक्ष छुड़ जाए, फिर मिथ्या दृष्टि नहीं लगेगा, फिर आत्मा दिखेगा। बालक नहीं मैं वृद्ध नहीं नहीं युवक तीन कारण नहीं करता नका नहीं करता अनुमता भी मेराग नहीं मैं देश नहीं नहीं मोह तीन कारण नहीं करता नका रहता नहीं करता नुमता मैं नहीं मैं क्रोध नहीं मैं मान नहीं माया नहीं मैं लोभ नहीं करता नका रहता नहीं करता अनुमता।